Hello student, welcome in Sacred Heart online classes and today physical education class for class 11th changing trends and career in physical education lesson 1. Okay, so chapter 1 name is changing trends and career in physical education. Before we start, we just discuss about why you are choosing physical education, right? Physical education as a You are choosing physical education as a optional subject or as a main subject, but this education is a very vast education of educational system, right? Okay, तो physical education आपने choose किया है, तो इसमें आपका lesson 1 है changing trends and career in physical education. So start करते हैं. Okay, तो Changes is the law of nature. जो changes है वो हमारा जो nature है वो हमें ये सिखाता है कि हमेशा जो changes है उसे हमें accept करना चाहिए. Either game or in education. Games में भी हमेशा changes होते रहते हैं और education में भी हमेशा changes होता रहता है. Games में भी आप देख रहे हो कि हमेशा प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, प्लेयर्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है. प्लस एजुकेशन में आप देख रहे हो कि हमेशा सिलेबस चेंज हो रहा है या जो इस साल का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है. पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे, एमसीक्यू के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते थे, बट इस साल से वो पैटर्न चेंज हुआ. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा आप अपडेट रहिए. हमेशा जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको आप अपने आप को अपडेट रखिए, तभी आपका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह हो पाएगा. ओके, आप अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो उसको भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत सारे वायरस एंटर करते हैं और आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं. वैसे ये जो हमारा नेचर है वो भी हमें यही सिखाता है कि हमेशा जो चेंजेस है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. ओके, और ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. जो एंशियंट लोग थे, एंशियंट टाइम में जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो लोग अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल के लिए वो लोग फिजिकल एजुकेशन को एज अ हंटिंग के रूप में यूज़ करते. वो लोग फिजिकल एजुकेशन उस टाइम भी पॉपुलर था और वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को शूट करते थे अपने फूडिंग के लिए और केव्स में वो लोग रहते थे, बिकॉज उस टाइम हाउसेस वगैरह बिल्कुल नहीं थे, तो वो लोग केव्स में रहते थे और उसमें ही वो लोग शूटिंग करते थे, तीरंदाजी करते थे. एज ए जेबलिन वो लोग भाला से जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको मारते थे. तो ये सारा का जो फिजिकल एजुकेशन है ये अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है और धीरे 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 इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. ओके, तो जो फिजिकल एजुकेशन हमारा है आजकल का जो टाइम है ये मतलब काफ़ी धीरे 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 चेंजेस हुआ. आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है. तो आप फिजिकल एजुकेशन चूज किए हो तो एक मन में तो ये क्वेश्चन होगा कि फिजिकल एजुकेशन मतलब गेम्स खेलना, योगासना करना, डांस करना, एक्टिविटी करना, यही फिजिकल एजुकेशन है. ये आपका नर्सरी से लेके टेंथ तक था और सिक्स तक था, बट अब सिक्स टू एट तक, नाइन टू टेंथ तक भी फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है एज अ मेन सब्जेक्ट में, गवर्नमेंट स्कूल में भी चल रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है एज अ मेन सब्जेक्ट है और इसके थ्रू आपको अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस करने हैं, अपने बिहेवियर के थ्रू बहुत सारा कुछ सीखना है. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, ये तो इंट्रोडक्शन था. अब अगर आपको एक्सप्लेन करना रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, सो ये एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इज द कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ये टू वर्ड्स से बना है. तो फिजिकल मीन्स बॉडी, एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दैट मीन्स एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मीन्स हमारे बॉडी की जो एक्टिविटी है वो एजुकेशन के थ्रू हमारा जो बिहेवियर हो वो हल्का फुल्का चेंज हो. ओके, जैसे एक्सरसाइज सभी लोग करते हैं, बट गेम्स जब खेलते हैं तो उसके पहले एक्सरसाइज करना है तो कितने देर बाद हमें डाइट नहीं लेनी है, एक्सरसाइज करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक नहीं करना है. तो ये सारा जब हम मतलब एजुकेट रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को
फिट रखते हैं। अदरवाइज़ हमें अगर उन चीज़ों के बारे में अगर अवेयर नहीं रहते हैं तो बहुत सारी जो डिफ़िकल्टी होती है या बहुत सारा जो डिजीजेज होता है ये हमारे अंदर एंटर करने लगता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट मीन्स एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इट्स एम ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स एंड एक्टिविटी। इसका जो मेन एम है इट्स एम एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स एंड एक्टिविटी। इसका जो मेन एम है फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो ह्यूमन बीइंग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कराना, मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे के सारे डेवलपमेंट कराना थ्रू द पार्टिसिपेटिंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। जो स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जब हम पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी एक्टिविटी में होती हैं जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारा कुछ हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। फिजिकल भी डेवलपमेंट होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, स्पिरिचुअल होता है एंड इमोशनल होता है, राइट। एंड ये तो था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए बुचर, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज इट्स एम इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच हैव बीन सेलेक्टेड विद अ व्यू टू रियलाइज दिस आउटकम्स। जो फिजिकल एजुकेशन है ये मेन पार्ट है हमारे टोटल एजुकेशन का। जो हमारा टोटल एजुकेशन है उसका मेन पार्ट है। कैसे मेन पार्ट है? मीन्स इसमें हम प्लानिंग भी, हर चीज़ को हम प्लान करके चलते हैं। जब भी आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसमें आपको हर एक चीज़ प्लान करके चलता हो। बिना प्लानिंग के अगर आप गेम्स खेलना स्टार्ट करते हो तो आप कभी भी विनर नहीं हो सकते हो। प्लस हमें जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें किस ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, किस ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये भी हमें आना चाहिए, मीन्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। सेकंड, हमें अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है तो फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमें अच्छी डाइट चाहिए, तो जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है वो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन में। थर्ड, हमें आउटफिट, गेम्स खेलना है, हॉकी के लिए आउटफिट अलग, क्रिकेट के लिए आउटफिट अलग, मींस जो किट होती है, शूज़ होती हैं वो अलग अलग होते हैं, ओके। किस टेम्परेचर में हमें खेलना है, मींस हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस टेम्परेचर में हम गेम खेल रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में क्या इफेक्ट होता है, इवनिंग टाइम में क्या इफेक्ट होता है, आफ्टरनून में क्या इफेक्ट होता है, ये सारा का इन सारी चीज़ों से हम अवेयर रहते हैं। मींस ये क्या है, आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपके टोटल एजुकेशन, मीन्स जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए हो, आप या बायो चूज किए हो, मैथ चूज किए हो, कॉमर्स चूज किए हो, ह्यूमैनिटी चूज किए हो, इन सारे जो सब्जेक्ट हैं इसका एक मेन मतलब टोटल आपको नॉलेज मिलता है आपके फिजिकल एजुकेशन से, जो एक आपका वास्ट सब्जेक्ट है। मीन्स आपको आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आप हर एक चीज़ के बारे में सीखते हो, ओके। एंड इट्स एम इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच हैज़ बीन सेलेक्टेड विद अ व्यू ऑफ रियलाइज दिस आउटकम्स। हम जब फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तब ये सारे डेवलपमेंट होना हमारे अंदर स्टार्ट होते हैं, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ग्रोथ हमारा कुछ टाइम तक होता है बट डेवलपमेंट जो हमारा है ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ओके। तो ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है ये बस आपके क्लास 12 तक नहीं है, ग्रेजुएशन तक नहीं है, ये हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जो मूवमेंट करने होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, ये सारा का सारा हमारे अंदर हमें अवेयर कराना होता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ओके। और इससे हम बच नहीं सकते हैं, कंटिन्यू हमें इसको, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारा हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारा का सारा डेवलपमेंट होता है। और ये जो फिजिकल एजुकेशन के जो मेन रिसर्चर्स हैं ये लोग बहुत ओल्ड रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसर्च करके ये डेफिनेशन दी है, ओके। सेकेंड है आपके, अकॉर्डिंग टू कैसिडी, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस विच कैन बी ब्रिंग मोटर एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस विच कैन बी ब्रिंग इन मोटर एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन
जो आपका है एक ऐसा चेंजेस है जो आपके मोटर एक्टिविटी मीन्स जो आप मूवमेंट करते हो, गेम्स खेलते हो, जिसमें आपका स्पीड डेवलपमेंट होता है, एंड्योरेंस डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, ओके। तो ये सारे के सारे जो 6-5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारा का सारा आप जब एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो तब जाके पॉसिबल होता है ये सारे के सारे डेवलपमेंट कराना, ओके। अगर आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हो तो कभी भी आपका स्पीड डेवलप नहीं होगा, और स्पीड बहुत ज़रूरी है हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए। स्ट्रेंथ, कभी भी आप बॉक्सर्स को देखो, जो बॉक्सर होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो जिमनास्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हर एक मूवमेंट में होना चाहिए, अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं तो अपना काम बहुत स्मूथली कर लेते हैं। एंड्योरेंस हमारी लॉन्ग, जैसे जो 600 मीटर रेस होती है, 800 मीटर रेस होती है, 1600 मीटर रेस होती है, इनके लिए जो एंड्योरेंस होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ओके।